हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर डिस्कस ऑन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम चार पार्ट कर चुके हैं, उनके अंदर बहुत सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। आज हम करेंगे कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल क्या है? जो ईएमएफ है इसमें अराइज होता है डिफरेंस इन कंसंट्रेशन। जो ईएमएफ अराइज होगा सेल के अंदर वो कंसंट्रेशन के डिफरेंस से होगा। इसके अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, उसको हम कंसंट्रेशन सेल कहते हैं। अब कंसंट्रेशन सेल इन विच ईएमएफ, जो वो कंसंट्रेशन सेल जिनके अंदर ईएमएफ है, जो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन डिफरेंट है उसके कारण अराइज हो, उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल बोलेंगे। और वो सेल जिनके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन के डिफरेंस के कारण, उसको हम इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल बोलेंगे। अब आगे कंसंट्रेशन सेल के फर्दर टाइप्स। फर्स्ट है कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफेरेंस। मतलब क्या है? कंसंट्रेशन सेल बिना ट्रांसफेरेंस के हो, उसके अंदर क्या होगा? जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, दो हाफ सेल है वो डायरेक्टली, जैसे हमने टू हाफ सेल ली है, ये वो डायरेक्टली एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में नहीं होती। वो या तो साल्ट ब्रिज के हेल्प से कॉन्टेक्ट में होती है, किसी और चीज़ की हेल्प से, तो उसको हम विदाउट ट्रांसफेरेंस बोलेंगे। मतलब इनका कोई भी डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होता आयंस का एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन के अंदर। अब सेकंड है कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफेरेंस। इन सेल में क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसफेरेंस होता है आयंस का सॉल्यूशन के अंदर। जैसे कोई भी सॉल्यूशन लिया, यहाँ पे HCl फिल कर दिया, इसके अंदर दो सेल ले ली और यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से यहाँ H का और Cl का ये डायरेक्ट ट्रांसफर होगा इनके अंदर आयंस का, उसको हम कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफर बोलेंगे। अब आगे इसकी टाइप्स करेंगे हम। अब हम करेंगे कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफेरेंस। इसमें हम करेंगे इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफर। इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन के कारण जो डिफरेंस अराइज होगा ईएमएफ के अंदर वो करेंगे हम बिना ट्रांसफेरेंस के। अब हमने यहाँ पे ली है दो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले ली, इसके अंदर हमने सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसके अंदर जो सॉल्यूशन है उसके अंदर HCl फिल किया गया है, 1 मोलर HCl डाला गया है इसके अंदर, और H2 गैस है वो बबल की फॉर्म में बाहर आ रही है, और हमने ये जो दो इलेक्ट्रोड है वो वोल्ट मीटर से कनेक्ट की है और डिफरेंट प्रेशर पे पास होंगे बबल है जो इन इलेक्ट्रोड में से जो बबल पास होंगे वो डिफरेंट कंसंट्रेशन के कारण होंगे। अब सेल रिप्रेजेंटेशन क्या है? प्लेटिनम, यहाँ पे प्लेटिनम है, बीच में प्लेटिनम की वायर है H2P1। P1 मतलब प्रेशर, 1 प्रेशर के कारण अराइज होगी इसकी सॉल्यूशन ऑफ H पॉजिटिव आयन का सॉल्यूशन, मतलब 1 मोलर HCl कंसंट्रेशन। H पॉजिटिव ये कंसंट्रेशन ली है इसकी 1 मोलर H2। आगे H2P2, P2 मतलब प्रेशर 2 पे, एक इलेक्ट्रोड का जो फर्स्ट इलेक्ट्रोड है उसका हाइड्रोजन का प्रेशर 1 है और दूसरी गैस उसका प्रेशर 2 है। अब इसके अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगी? 2H पॉजिटिव P1 पे ये लूज कर देगा। मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को लूज करना, तो आगे ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और H1 पॉजिटिव कंसेंट्रेशन है इसकी। रिडक्शन में क्या होगा? वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन मिलके हाफ H2 बनाएंगे एट P2 प्रेशर के ऊपर। नेट रिएक्शन क्या होगी? हाफ H2 एट P1 इक्विलिब्रियम में आएगा, हाफ H2 एट P2। तो इसके अंदर ये जो सेल रिएक्शन है इसके अंदर इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट है, और डिपेंड है डिफरेंस इन गैस ऑफ प्रेशर है जो गैस का उसके डिफरेंस पे डिपेंड है। अब आगे हम करेंगे इसका एक्सप्रेशन, ईएमएफ ऑफ सेल का एक्सप्रेशन। हमें पता है नर्नस ने इक्वेशन दी थी, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट प्लस में RTNFLN ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज्ड बाय में रिड्यूस्ड। अब इस इक्वेशन की हेल्प से नर्नेस ने ये इक्वेशन दी थी, इसकी हेल्प से हम ईएमएफ निकालेंगे। तो हमने E1 लिया है, E1 है जो एट प्रेशर P1 प्रेशर पे जो E1 की कंसंट्रेशन क्या होगी? ई नोट एच पॉजिटिव बाय में H2 प्लस में RTFLN ए पॉजिटिव बाय में हाफ P1 हाफ। अब हमने बोला था कि जो EH पॉजिटिव बाय में ये इक्वल है 0 के और ये इक्वल है 1 के, क्योंकि ये स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड है।
अब इसके अंदर तो वैल्यू क्या बच गई, इसको जीरो इसको वन पुट करने के बाद यहाँ पे वन आ गया और यहाँ पे ये इसकी वैल्यू बच गई। आगे ये थी लेफ्ट हैंड साइड जो रिएक्शन हो रही थी वो, अब राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड पे जो रिएक्शन होगी वो करेंगे। E2 पे हमने P2 लिया हाफ, तो यहाँ पे वो सेम होगी, बस यहाँ पे P2 हाफ आ जाएगा। अब हमें पता है EMF सेल का क्या होता है, राइट माइनस लेफ्ट, ई राइट माइनस लेफ्ट, तो ये राइट माइनस लेफ्ट करेंगे, राइट E2 माइनस E1 करेंगे, E2 माइनस E2 वन करने के बाद आगे जब हमने E2 माइनस E1 किया तो EMF की वैल्यू ये आई RT बाय में 2F LN P1 बाय में P2, ये इसके EMF की वो वैल्यू है। अब इसके अंदर क्या है, जो EMF है सेल का वो डिपेंड नहीं करता एक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव आयंस की एक्टिविटी पे डिपेंड नहीं करता है इलेक्ट्रोड के, ये डिपेंड है सिर्फ प्रेशर के ऊपर। अब आगे हम करेंगे इलेक्ट्रोड कंसेंट्रेशन सेल कंसिस्टिंग ऑफ अमलगम इलेक्ट्रोड, जब कोई भी अमलगम इलेक्ट्रोड कंसिस्ट करेंगे मतलब ZN HG जिंक मरकरी के सॉल्यूशन में डिसोल्व होगा, उस इलेक्ट्रोड कंसेंट्रेशन सेल को बोलेंगे हम। अब जो इलेक्ट्रोड मेटल अमलगम है वो डिप करेंगे सेम सॉल्यूशन ऑफ मेटल आयंस, मतलब ZN को डिप करेंगे ZnSO4 सॉल्यूशन के अंदर, ये ZN इलेक्ट्रोड है ये ZnSO4 सॉल्यूशन के अंदर डिप की है, तो जो कंसेंट्रेशन होगी मेटल की वो डिफरेंट होगी दोनों इलेक्ट्रोड से, तो मतलब इस मेटल की कंसेंट्रेशन है वो अलग होगी। अब हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या लिया, तो एग्जांपल लिया हमने ZnHgA1, यहाँ पे कंसेंट्रेशन ली है A1, ZN2 पॉजिटिव A2 AZn2 पॉजिटिव, आगे सॉल्यूशन ऑफ मरकरी, आगे ZnA2 A2 कंसेंट्रेशन है, सेकेंड कंसेंट्रेशन ली है। अब इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगी, ZnHgA1 A1 कंसेंट्रेशन पे ये लूज करेंगे दो इलेक्ट्रॉन्स, और रिडक्शन रिएक्शन पे क्या होगी A2 कंसेंट्रेशन पे ये गेन कर लेगा दो इलेक्ट्रॉन्स। ओवरऑल क्या होगी, ZnHgA1 इक्विलिब्रियम में है ZnHgA2। अब इसके EMF का एक्सप्रेशन वही E1 लिखेंगे हम, E1 E0 ZN2 पॉजिटिव बाय में ZN प्लस RT 2F LN AZN2 पॉजिटिव बाय में A1, A1 इसकी कंसेंट्रेशन, 2 यहाँ पे इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो 2 मोल्स लिए हैं। वही E2 का एक्सप्रेशन लिखने के बाद हम E2 राइट माइनस लेफ्ट कर देंगे, मतलब E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 करने के बाद E0 जो E सेल है वो इसकी वैल्यू ये आएगी, ये इसके EMF का एक्सप्रेशन है। अब हम करेंगे इलेक्ट्रोलाइट कंसेंट्रेशन सेल विद ट्रांसफर, हमने पहले ही कही है इलेक्ट्रोड कंसेंट्रेशन की थी, अब हम करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंसेंट्रेशन। इसमें क्या है, दो इलेक्ट्रोड हैं, सेम इलेक्ट्रोड को हम इमर्ज करेंगे अलग अलग सॉल्यूशन के अंदर, सेम इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन उनकी कंसेंट्रेशन क्या होगी, अलग होगी। सेम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होगा, सेम आइडेंटिकल इलेक्ट्रोड होगी, लेकिन उनकी कंसेंट्रेशन, जो इलेक्ट्रोलाइट है उनकी कंसेंट्रेशन डिफरेंट होगी। अब ये मेथड है दो वे से अचीव किया जा सकता है, फर्स्ट है बाय कनेक्टिंग टू इलेक्ट्रोलाइट बाय साल्ट ब्रिज, जैसे इसके अंदर दिखाया गया है हम साल्ट ब्रिज की हेल्प से दो इलेक्ट्रोलाइट को कनेक्ट कर रहे हैं, या फिर दो सेल को कंबाइन करके। फर्स्ट करेंगे हम द इलेक्ट्रोलाइट कंसेंट्रेशन सेल वेयर इलेक्ट्रोलाइट आर कनेक्टेड बाय साल्ट ब्रिज, जब इलेक्ट्रोलाइट साल्ट ब्रिज की हेल्प से कनेक्ट किए गए हैं। इसके अंदर हमने ली है हाइड्रोजन सेल ली है, इसके अंदर हाइड्रोजन सेल के अंदर जो रिएक्शन होगी वो हमने लिखी है H2 डैश H पॉजिटिव A1, यहाँ पे साल्ट ब्रिज कनेक्ट कर दिया H पॉजिटिव बाय में H2A2 इसकी कंसेंट्रेशन, जो सेकंड वाले की A2 कंसेंट्रेशन है और एक्टिविटी A1 है जो फर्स्ट वाले की, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ली है, ये यहाँ पे सेकंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ली है, इनका प्रेशर डिफरेंस है जो सेम है, और इन दोनों को पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट किया, यहाँ पे साल्ट ब्रिज लगाया गया है। अब इस सेल रिएक्शन में क्या होगा, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और यहाँ पे H2 बबल देंगी एक एटमोस्फेयर प्रेशर पे, लेकिन जो एक्टिविटी होगी H2 पॉजिटिव आयन की, H पॉजिटिव आयन की एक्टिविटी अलग है इनके अंदर, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो अलग है, लेकिन जो इलेक्ट्रोड है वो सेम प्रेशर पे सेम बबल देंगी। अब ये दोनों सेल हैं जो साल्ट ब्रिज से कनेक्ट की गई है, इनके अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगी, हाफ H2 पॉजिटिव इक्विलिब्रियम में H पॉजिटिव A1 प्लस में इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन देगी ऑक्सीडेशन में लूज करेगी इलेक्ट्रॉन, वही रिडक्शन में
गेन करेगी इलेक्ट्रॉन, हाफ एच पॉजिटिव बना लेगी, यहाँ पे एक्टिविटी है ए टू। अब ओवरऑल रिएक्शन एच पॉजिटिव ए वन, ए टू इक्विलिब्रियम में ए वन, एक्टिविटी वन इक्विलिब्रियम में आएगी एक्टिविटी टू के। अब हम ई एम एफ करेंगे, एक्सप्रेशन करेंगे ई एम एफ का। अब हम लेफ्ट हैंड की इलेक्ट्रोड कंसेंट्रेशन लिखेंगे, ई वन इज इक्वल टू ई नोट एच पॉजिटिव बाय में एच टू प्लस में आर टी एफ बाय में एल एन ए। हमें पता है इसकी वैल्यू जीरो है क्योंकि ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है। अब ये ए है, ए वन है एक्टिविटी वन। आगे ई एम एफ लिखेंगे हम सेकेंड राइट हैंड साइड का, तो ई टू इज इक्वल टू ई नोट एच पॉजिटिव बाय में एच टू प्लस में आर टी बाय एफ एल एन ए टू। ए टू जो है एक्टिविटी है सेकेंड इलेक्ट्रोड की। अब इसकी टोटल ई एम एफ क्या है, राइट माइनस ई है, राइट माइनस लेफ्ट, तो ई टू माइनस ई वन। तो हम यहां से ई टू माइनस ई वन करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आएगी, ई इज इक्वल टू आर टी बाय में एफ एल एन ए टू बाय में ए वन। अब टाइप टू करेंगे इसके अंदर, हमने इसके अंदर क्या है सेकेंड एक अनदर सेल ली है जिसके अंदर जिंक इलेक्ट्रोड है, सोल्यूशन जेड एन एस ओ फोर सोल्यूशन के अंदर डिप की गई है डिफरेंट कंसेंट्रेशन के कारण। और जैसे ये दो लिए है, यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड ली है और ये जेड एन एस ओ फोर सोल्यूशन के अंदर डिप की गई है, यहाँ पे साल्ट ब्रिज लगाया गया है एक, इनकी डिफरेंट कंसेंट्रेशन है, इसकी ए वन कंसेंट्रेशन, इसकी ए टू कंसेंट्रेशन। उसके अंदर ये सेल रिप्रेजेंटेशन है जेड एन, जेड एन टू पॉजिटिव ए वन साल्ट ब्रिज, जेड एन टू पॉजिटिव ए टू डैश जेड एन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगी, लूज करेगा दो इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन क्या होगी, गेन करेगा दो इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, जेड एन टू पॉजिटिव ए टू इक्विलिब्रियम में आएगा जेड एन टू पॉजिटिव ए वन के। तो ई एम एफ का एक्सप्रेशन वही होगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सेम जैसा, यहाँ पे बस टू एफ आ जाएगा, टू क्यों नंबर ऑफ मोल्स है, टू एन की जगह वहां पे जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन थी वहां एन वन पुट किया था और यहाँ पे एन टू पुट करेंगे। अब आगे है इलेक्ट्रोलाइटिक कंसेंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफर ओपनेड बाय कंबाइनिंग ऑफ टू सेल्स। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंसेंट्रेशन सेल है वो बिना ट्रांसफेरेंस के होगी जब दो सेल को हम कंबाइन करेंगे। अब हमने एक सेल ले ली, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले ली और उसके अंदर क्या किया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले ली और उसके अंदर सिल्वर इलेक्ट्रोड डाल दी। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ली एक के अंदर, एक के अंदर सिल्वर इलेक्ट्रोड ली और HCl सॉल्यूशन है दोनों के अंदर, उसके अंदर डाल दिए दोनों इलेक्ट्रोड। इनकी एक्टिविटी क्या है, इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, एच टू वन एटम डैश एच सी एल ए, ए वन उसकी एक्टिविटी है ए जी सी एल बाय में ए जी सी एल। सेल रिएक्शन लिखेंगे हाफ एच टू प्लस में ए जी सी एल मिलकर बनाएंगे, जो ए जी सी ए जी है वो बाहर निकल जाएगा और एच सी एल कंबाइन हो जाएंगे। इसकी ई एम एफ क्या होगी, ई वन लिखेंगे ई नोट प्लस में आर टी बाय में एफ एल एन वन बाय में ए वन। अब हमने दूसरी सेल ली, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और सिल्वर इलेक्ट्रोड ही, वो ही दोनों सोल्यूशन वो दूसरे सोल्यूशन के अंदर डिप की एच सी एल के अंदर, जिसकी एक्टिविटी क्या होगी ए टू। तो सेल रिप्रेजेंटेशन सेम होगी, बस ए वन जो एक्टिविटी वहां पे वन थी यहाँ पे ए टू आ जाएगी और यही यहाँ पे भी एक्टिविटी ए टू आ जाएगी। अब इसकी सेल रिएक्शन सेम है, बस एक्टिविटी ए टू लिखेंगे। अब ई एम एफ लिखेंगे सेल का ए टू का, तो ई टू इज इक्वल टू ई नोट प्लस में आर टी बाय में एफ एल एन वन बाय में ए टू। अब सेल हमने फर्स्ट और फोर्थ कनेक्ट कर दी एक दूसरे के साथ अपोजिट साइड में, तो फर्स्ट वाली और फोर्थ वाली कनेक्ट कर दी, तो इसकी सेल रिएक्शन क्या लिखेंगे हम, हाफ यहाँ पे एच टू है, एच टू एच सी एल ए वन कंसेंट्रेशन ए जी सी एल ए जी सी एल। अब इसकी अपोजिट रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पे ए जी सी एल, यहाँ पे ए जी सी एल ए जी आएगा, ए जी सी एल ए जी ए जी सी एल एच सी एल हाफ एच टू, यहाँ पे एच सी एल की कंसेंट्रेशन ए टू है, मतलब ये अपोजिटली कनेक्ट कर दी। अब ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो हाफ एच टू प्लस ए जी सी एल माइनस हाफ एच टू माइनस ए जी सी एल, ए जी पॉजिटिव प्लस एच सी एल ए जी ए जी सी एल। अब ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो ये इनसे कट जाएंगे, तो यहाँ पे एच सी एल ए टू इक्वल हो जाएगा एच सी एल ए वन के। अब ई एम एफ लिखेंगे इसका, अगर हमें ई एम एफ पता लगाना है तो हम सिक्स्थ रिएक्शन क्या थी, ये वाली, सिक्स्थ में से थर्ड को माइनस कर देंगे, थर्ड ये वाली थी, मतलब क्या है ई टू
माइनस ई वन कर देंगे, तो हमने ई टू माइनस ई वन कर दिया, तो फिर ई टू माइनस ई वन करने के बाद हमारे पास ई एम एफ की वैल्यू ये आई आर टी बाई एफ एल एन ए टू वाई में ए वन, इसके ई एम एफ की वैल्यू है। अब आगे हम करेंगे कंसेंट्रेशन सेल विद ट्रांसफेरेंस, मतलब ट्रांसफेरेंस क्या होगा, दो आइडेंटिकल इलेक्ट्रोड है मर्ज करेंगे दो सॉल्यूशन के अंदर, उनकी इलेक्ट्रोलाइट क्या होगी, सेम होगी, इलेक्ट्रोलाइट सेम होगा लेकिन डिफरेंट कंसेंट्रेशन होगी, सेम इलेक्ट्रोलाइट बट कंसेंट्रेशन डिफरेंस, दो इलेक्ट्रोड आइडेंटिकल इलेक्ट्रोड, जैसे ये सॉल्यूशन लिया उसके अंदर आइडेंटिकल इलेक्ट्रोड डाली और यहाँ पे अलग अलग कंसेंट्रेशन के सेम इलेक्ट्रोलाइट डाले, लेकिन ये डायरेक्टली कॉन्टैक्ट होंगे एक दूसरे के साथ, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसफर होगा आयंस का, यहाँ पे एक परमिएबल पार्टिशन मेम्ब्रेन होगी बीच के अंदर और जिसकी वजह से डायरेक्ट ट्रांसफर होगा आयंस का, इसको हम लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं। इसमें हम एग्जांपल लेंगे, दो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड हैं वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट होंगे HCl सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन जो HCl की कंसेंट्रेशन होगी वो अलग अलग होगी। इस डायग्राम में दिखाया गया है दो जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो सेम HCl सॉल्यूशन के अंदर प्लेस की गई है, यहाँ पे एक पतली सी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई गई है जिसके कारण जो HCl है इस साइड से लेफ्ट, मतलब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं और एच है पॉजिटिव आयन है इस साइड ट्रांसफर हो रहे हैं, तो मतलब इनकी कंसंट्रेशन ट्रांसफर हो रही है यहाँ पे सीएल की, यहाँ पे एच पॉजिटिव आयन्स की लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल के थ्रू। अब हम इसमें क्या है, डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, अब सेल रिप्रेजेंटेशन करेंगे इसके अंदर, सेल रिप्रेजेंटेशन पीटी प्लेटिनम है, इसके अंदर वायर है पतली सी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर एच पॉजिटिव वन एटम एटमोस्फेयर उसका प्रेशर है HCl जो ए वन कंसेंट्रेशन पे HCl ए टू कंसेंट्रेशन पे आगे है एच टू वन एटम पीटी। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगी, हाफ एच टू आगे एच पॉजिटिव प्लस में ई नेगेटिव, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा इसमें ए वन कंसेंट्रेशन है। इसके अंदर रिडक्शन रिएक्शन के अंदर ए टू कंसेंट्रेशन है एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो हाफ एच टू बनाएंगे मिलके। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, एच पॉजिटिव ए टू इक्विलिब्रियम में आएंगे एच पॉजिटिव ए वन के। अब हमें ई एम एफ पता लगाना है इसका, तो इसके अंदर क्या करेंगे, जो ई एम एफ पता लगाने के लिए जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल से जा रहे हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या है, इक्वेशन वन है, जो इक्वेशन वन है इसके अंदर वन फेराडे इलेक्ट्रिसिटी पासिंग करी है इस सेल के अंदर, जो कि वन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एच पॉजिटिव आयन डिस्चार्ज करेंगी लेफ्ट इलेक्ट्रोड की तरफ, मतलब क्या है, हमने एक फेराडे इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी इस सेल के अंदर, तो ये क्या करेंगी, वन ग्राम इक्विवेलेंट एच पॉजिटिव आयन डिस्चार्ज कर देंगी इसकी लेफ्ट इलेक्ट्रोड की तरफ और वन ग्राम इक्विवेलेंट एच पॉजिटिव आयन डिस्चार्ज कर देंगी राइट हैंड साइड की तरफ। अब लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, पतली सी मेम्ब्रेन थी जिसकी जिसके थ्रू आयंस का ट्रांसफर हो रहा था डायरेक्टली सॉल्यूशन के अंदर, तो ये क्या है, इसके अंदर प्रेजेंट सेल के अंदर एच पॉजिटिव आयन जनरेट होंगी लेफ्ट इलेक्ट्रोड के, हमने इस तरह इलेक्ट्रोड की बात की थी, यहाँ पे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, यहाँ पे एच पॉजिटिव आयन जनरेट हो रहे थे, इस साइड क्लोरीन आयन जनरेट हो रहे, तो क्या होगा, इसके अंदर जो एच पॉजिटिव है वो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे और क्लोरीन आयन है वो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, तो हमने लेट हमने मान लिया टी माइनस है जो वो ट्रांसपोर्ट नंबर है क्लोरीन आयन का, मतलब यहाँ पे टी डैश है जो क्लोरीन टी माइनस है वो क्लोरीन आयन का और टी पॉजिटिव, यहाँ पे टी पॉजिटिव है वो ट्रांसपोर्ट नंबर है एच पॉजिटिव आयन का, तो यहाँ पे क्या किया, एक फेराडे इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो टी डैश ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन, जो मतलब यहाँ पे हमने एक फेराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो टी डैश क्लोराइड आयन का ट्रांसफर होगा इसके अंदर राइट से लेफ्ट की तरफ, तो ये टी डैश ए टू यहां से मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, मतलब ए टू से ए वन की तरफ मूव करेंगे, वही हम एक फेराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे वन माइनस टी डैश ग्राम इक्विवेलेंट एच पॉजिटिव आयन्स ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, जैसे क्लोरीन आयन थे वो ए टू से एक वन की तरफ मूव कर रहे थे, इसी तरह जो हाइड्रोजन आयन है वो ए वन से ए टू की तरफ मूव करेंगे और हमने वन माइनस टी माइनस इसकी ट्रांसपोर्ट नंबर ले लिया, तो एच पॉजिटिव
प्लस में ए वन, यहाँ पे ए वन, और टी वन माइनस टी डैश एच पॉजिटिव ए टू, यहाँ पे जो मतलब ए वन से ए टू की तरफ मूव कर रहे हैं। तो नेट ट्रांसफर ऑफ मैटर कितना ट्रांसफर होगा मैटर का, ए एच पॉजिटिव ए टू प्लस में टी डैश सी एल माइनस एच टू, यहाँ पे हमने एक साइड ले लिया राइट हैंड साइड में कितना ट्रांसपोर्ट हो रहा है और एक साइड ले लिया लेफ्ट हैंड में। तो राइट हैंड साइड में एच पॉजिटिव ए टू प्लस में टी डैश सी एल नेगेटिव ए टू प्लस में वन माइनस टी डैश एच पॉजिटिव ए वन, तो ये ए वन वाले ट्रांसफर हो रहे हैं ए टू के अंदर, तो यहाँ पे इसके पॉजिट लिख ली। तो इसके अंदर ओवरऑल कितना नेट ट्रांसफर होगा, टी डैश एच सी एल ए टू जाएंगे ए टू से ए वन की, टी डैश एच सी एल ए वन की तरफ। तो ई एम एफ क्या होगा सेल का, ई इज इक्वल टू टी डैश आर टी बाय में एफ एल एन, एल एन ए प्लस माइनस टू का स्केयर, ए प्लस माइनस वन का स्केयर। तो हमें पता है जो एक्टिविटी होते हैं यूनिवेलेंट आयंस की वो क्या है, ये है एक्टिविटी यूनिवेलेंट आयंस की, हमने पढ़ी थी एक्टिविटी के टॉपिक के अंदर। तो इक्वेशन फाइव है, जो इक्वेशन फाइव ये है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए टू बाय में ए वन, ए इक्वल होता है ए, तो यहाँ पे ए टू है तो यहाँ पे इसको हम ए टू लिख देंगे, और अगर ये ए वन इक्वल टू ए वन का स्केयर तो इसको हम ये ए वन भी लिख देंगे, ए टू बाय में ए वन। तो ए वन की वैल्यू होती है एम वन स्केयर गामा वन स्केयर, ए टू की वैल्यू है एम टू स्केयर गामा टू स्केयर। तो हमने ए वन और ए टू की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी, तो हमारा जो ई एम एफ की वैल्यू आएगी टू टी माइनस आर टी बाय में एफ एल एन एम टू गामा टू बाय में एम वन गामा वन। तो ये है ई एम एफ ऑफ कंसेंट्रेशन सेल विद ट्रांसफेरेंस। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।